Namaste and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth, study of truth. Opposite of that is mythology or mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. Today we have a very special guest. You all know her very well. एक बात मैं पहले से बोल दूं आप हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है आप जुड़े रहते हैं बहुत अच्छा लगता है और चैनल भी अच्छी तरह आप लेके आगे जा रहे हैं सत्योलॉजी मतलब कि सत्य का विज्ञान सत्य की पढ़ाई उसके विपरीत है माइथोलॉजी मिथोलॉजी सत्य झूठ नकली काल्पनिक उसकी पढ़ाई और उसका विज्ञान सो डिबंकिंग माइथोलॉजी इज द थीम तो आज बड़ी यू हैव वेरी फेमस गेस्ट है हमारी एंड ऑल्सो यू ऑल नो हर वेरी वेल आप सब उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया नमस्ते सबको राम राम, सबको नमस्कार। अपने यहाँ तो राम राम कहने का ही अभ्यास था, अभिवादन यही है। राम 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 जय श्री राम अभी भी यही है अभी भी यही है आप गांव में जाएंगे तो बोल बोल सकते हैं जोर जोर से हम लोगों का आपस में यही अभिवादन है परिवार में। राम राम जी एक्चुअली मैं जब दिल्ली में जब मैं ऐसी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता था तो जब गार्ड जब गुड मॉर्निंग बोलता था होटल में तो बोलता था राम राम तो मैं जब के लिए निकल रहा हूँ तो राम राम तो आप भी राम राम बोलते हैं मैंने कहा तूने वापस बोल दिया अभी जी। और बहुत जगह ऐसा है चलता है यहाँ पे भी अभी यहाँ पर भी हम लोग करते हैं हम लोग कभी कभी राम राम बोलते हैं या जय श्री कृष्ण बोलते हैं तो इंडियन स्टोर्स में कहीं पर भी होगा तो हम लोग यही बोलते हैं जय श्री कृष्ण या राम राम तो टुडे हम लोग 1970s के यूरोप पे आ रहे हैं द फीमेल यूनुक ये इतना प्रवचन देते हैं हम लोग के यूरोप के लोग अरे क्या बात है बुक का नाम भी ऐसे ही हाँ, द है फीमेल इनर। हेली फेस मैन है ना जी हेली फ्री मैन नो 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 हेडली फ्री मैन हेडली फ्री मैन HADLEYFREMAN अभी फ्री मैन कौन है फ्री हेडली फ्रीमैन ने इंट्रोडक्शन लिखा है। अच्छा राइटर का नाम है जर्मेन ग्रियर। जर्मेन ग्रियर जी ये वहां की इतना अति प्रसिद्ध लेखिका। जर्मेन ग्रियर नहीं जी दैट इज आपका स्क्रीन बंद हो गया है कैसे बंद हो गया? आपका वीडियो हाँ अब आ गया। जी आगे टाइटल इतना भयंकर दिया है द फीमेल यूनुक अभी जो पढ़ने जा रही हूँ वो अंग्रेजी में है इसलिए पढ़ सकती हूँ। हिंदी में अनुवाद कर दें तो मेरे लिए भी पढ़ना कठिन है, और ये जो पढ़ूंगी तो मैं चाहूंगी कि अनुवाद किसी को मन हो तो करके कमेंट बॉक्स में डाल दे, जिससे बाकी लोग भी समझ सके। मेरे वश का नहीं है। तो ये वस्तुतः वो जी रही हैं। 1970 का मामला नहीं है, उसके 50 साल बाद का ये एनिवर्सरी एडिशन है, यानी 2020 के लिए भी ये सच है। केवल यूरोप के लिए नहीं, अमेरिका के लिए, अमेरिका के कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के, इन सब का सच। और ये ऐसा सच है जो मैं पढ़ने जा रही हूं, किसके बाद सचमुच भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इनको थोड़ी सी मनुष्यता मिले। ये जो डीह्यूमनाइज हो गए हैं, पशु से भी बदतर हो गए हैं, उससे भगवान इनको मुक्ति दे। इनके लिए हरि नाम जाप होना चाहिए। तो एक्चुअली अगर अगर आपकी मैं अनुमति ऐसा हो। अगर ऐसा करेंगे तो कल के अवतार जल्दी कैसे आएंगे कल के अवतार पशुओं को मारने के लिए आ रहे हैं वो तो आप सोचते हैं, मुझे तो लगता है सब पर बहुत दया आ जाती है। तो चलिए आज मैं शुरू कर रही हूं। करूं शुरू? यस प्लीज जी। मैं बीजी तक तो पूछता रहूंगा इस पुस्तक के पेज 94 टाइटल है प्यूबर्टी, यानी किशोरावस्था। मैं भी किशोरावस्था में थी, सब लोग किशोरावस्था से गुजरते हैं। किशोरावस्था बाल्यावस्था से युवावस्था के बीच का संधि। कितना आनंद, कितना सुख, बड़ी दुनिया से संपर्क, मतलब केवल खिलापन, चिड़िया की चहचहाट, यही जानती। लेकिन इसको पढ़ के निशान लगाया और आज आपको पढ़ने जा रही हूं।
हिल जाएंगे आप लोग। और मैं एक निवेदन करूंगी कि 31 दिसंबर 2023 तक सत्तोलॉजी का सब्सक्रिप्शन 1 लाख पर पहुंचा दीजिए। कोई 18-19 हजार बचा है इसको कर डालिए, क्योंकि ये जानना हम सबका धर्म है, और जिनके बारे में पढ़ रही हूँ उनकी मुक्ति के लिए थोड़ा हरि नाम जाप आवश्यक है। तो बिना किसी उसके किशोरावस्था के बारे में ये कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? इन दिस क्रिटिकल पीरियड प्यूबर्टी यानी बाल्यावस्था जा रही है, युवावस्था का संधि काल है। इन दिस पेज नंबर 96, इन दिस क्रिटिकल पीरियड अ गर्ल इज एक्सपेक्टेड, ध्यान दीजिए, अ गर्ल इज एक्सपेक्टेड बाई होम, बाई सोसाइटी, विच सोसाइटी, सोसाइटी विच हैज बिन फॉर्म्ड बाई द चर्च इन लास्ट 1000 ईयर्स, नॉट मोर देन 1000 ईयर्स, इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन हर डीलिंग्स विद मेन। धिक्कार, डीलिंग्स बेस्ड अपॉन हर अट्रैक्टिवनेस एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। 20वीं 21वीं शताब्दी का यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। डीलिंग्स बेस्ड अपॉन हर अट्रैक्टिवनेस एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। डीलिंग्स विच कैन ओनली बी हैम्पर्ड बाई एनी कंसिडरेशन ऑफ हर ओन सेक्सुअल अर्च। ये 1970, तो मेरा भी किशोरावस्था था। क्या सुंदर, क्या आनंद, परिंदे की उड़ान जैसा। अब आगे सुनिए, हिल जाएंगे। इन दीज पामी डेज ऑफ द परमिसिव सोसाइटी, कब? 1970s। दिस सिचुएशन हैज गिवन राइज टू सम परवर्शंस विच आर एक्सट्रीमली डिप्रेसिंग। इट इज नॉट अनकॉमन फॉर ए गर्ल, यूरोपियन, वाइट, क्रिश्चियन, अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन गर्ल, इट इज नॉट अनकॉमन फॉर ए गर्ल सीकिंग पॉपुलैरिटी और अप्रोबेशन फ्रॉम बॉयज टू अलाउ बॉयज टू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिबर्टीज विद हर। वाइल नाइदर सीकिंग नॉर डिराइविंग एनीथिंग फॉर हर सेल्फ, द फेनोमिना ऑफ गर्ल्स एग्रीइंग टू मसाज बॉयज टू ऑर्गेजम और इवन टू लेट देम हैव इंटरकोर्स विद देम इन रश्ड एंड समटाइम्स स्क्वैलिड और पब्लिक कंडीशंस इज नॉट एन अनलुक्ड फॉर बट नॉट अनकॉमन रिजल्ट ऑफ द इनर्ट फोर्स ऑफ इनकलकेटेड पैसिविटी इन द परमिसिव सोसाइटी। ऐसा नारकीय है, 1970 में लिख रही है, तो 60s में परमिसिवनेस है वहां, हिप्पी कल्चर है वहां, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पोस्ट मार्शल प्लान जो अमेरिका का दिया, उससे जो सोसाइटी आई उसमें किशोरी लड़कियां ऐसी हैं। आगे सुनिए, एनी सैटरडे आफ्टरनून इन अ प्रोविंशियल इंग्लिश टाउन वन में सी ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स क्लैड इन द यूनिफॉर्म ऑफ दियर एक्सेप्टेड इमेज स्टैंडिंग अबाउट द स्ट्रीट्स फाइनिंग टू इग्नोर द ग्रुप्स ऑफ बॉयज हु एक्सप्रेस क्लियर स्कॉर्न फॉर देम। कल्पना के बाहर, दियर ससेप्टिबिलिटी कंबाइंड विद इनसिपिडिटी
एंड डिसऑनेस्टी ऑफर्स देम नो ग्राउंड फॉर जेन्युइन इंटरकोर्स विद देयर मेल कंटेम्पररीज। घिनौना। आयरनिकली द कंडीशनिंग फॉर फेमिनिटी विच ऑट टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेक्स ऑब्जेक्ट कैन एंड डज बिकम द वर्स्ट डिवैल्यूएशन। यानी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब फेमिनिन लिबरेशन है बिकॉज ऑफ पिल्स एंड कंट्रासेप्टिव, तो वहां की पढ़ी लिखी लिबरेटेड किशोरी कन्याओं का ये वर्णन है, और ये वर्णन अपर क्लास का है, लोअर क्लास का वर्णन नहीं है, पहले बता चुकी हूँ। सब ऐसा ही भयंकर है, भयंकरता के अलग अलग शेड्स हैं। अब छोड़ दिया उसको। पेज 116, विमेन पावर, ये जो दिख रहा है, 116 का छोड़ दिया, 117 से पढ़ रही हूँ। नो मैन हु थिंक्स रियली डीपली अबाउट विमेन रिटेन अ हाई ओपिनियन ऑफ देम। नो मैन रिटेन अ हाई ओपिनियन ऑफ देम विमेन। मैन आइदर डिस्पाइज विमेन और दे हैव नेवर थॉट सीरियसली अबाउट देम। मुझे अपना 1970 याद है, मैंने इंटरमीडिएट पास किया था, मेरी उम्र 16 साल थी, और कितना आदर स्नेह प्रेम आई गॉट फ्रॉम, मैंने जिसको, अब इनके यहाँ तो पुरुष है, मेरे लिए दादाजी नाना जी बाबूजी चाचा जी लोग, पड़ोसी के भैया लोग, कॉलेज के साथ पढ़ने वाले सहपाठी अध्यापक, ऑलवेज ऐसे। दो लाइन और पढ़ती, लाइक फ्राइड विद हुम, ये एक आदमी का वर्णन हो रहा है, उस आदमी का नाम है विनिंगर, पेज 117 से। लाइक फ्राइड विद हुम ही हैड मच मोर इन कॉमन, ही थॉट ऑफ विमेन एज कैस्ट्रेटेड बाई नेचर बिकॉज ही थॉट सो हाईली ऑफ द पेनिस, ही थॉट विमेन डिड टू। यार अमेरिका, इनका एक प्रसिद्ध आदमी फ्रायड और वहां के पुरुष। अब इसका हिंदी करना मेरा वश में नहीं है, लेकिन मैं जरूर अपेक्षा करूंगी कि सुनने वाले कमेंट बॉक्स में ये हिंदी डाल दे। अब वो क्या कहता है, हाँ, ही थॉट ऑफ विमेन एज कैस्ट्रेटेड बाई नेचर बिकॉज ही थॉट सो हाईली ऑफ द पेनिस, ही थॉट विमेन डिड टू। आगे सुनिए, एन एब्सोल्यूट न्यूड फीमेल फिगर इन लाइफ लीव्स एन इम्प्रेशन ऑफ समथिंग वॉन्टिंग, कुछ कम है क्या, वही पेनिस, एन इनकम्प्लीटनेस विच इज इनकम्पेटेबल विद ब्यूटी। यूरोप का पुरुष, कैसा पुरुष, ट्रेंड फॉर 1000 ईयर्स बाई चर्च, यूरोपियन सोसाइटी, एंड सेम इज थिंकिंग वेमेन, स्त्री भी ऐसे ही सोच रही है, आगे आएगा। द क्वालिटीज दैट अपील टू अ वुमन आर द साइंस ऑफ ए डेवलप्ड सेक्सुअलिटी, अरे नारकियों, दोज दैट रिपेल हर आर द क्वालिटीज ऑफ द हायर माइंड। विमेन इज एसेंशियली अ फैलस वर्शिपर। कोई भारतीय, कोई एशियाई, कोई अफ्रीकी, कोई लैटिन अमेरिकन और नॉर्थ अमेरिकन इंडियन जो वहां का मूल लोग हैं, ऐसी कल्पना नहीं कर सकते हैं भाई, कल्पना के बाहर है। क्या विमेन इज एसेंशियली
फैलस वर्शिपर, और इनको इनसे जो स्कॉलरशिप इनको जो स्कॉलरली मानते हैं, और इनके कॉलेज और यूनिवर्सिटी यानी इनका प्रोफेसर यही मानता है, फ्राइड यही जानते हैं, उसको क्या कहें। पेज 118, बिकॉज वेमेन लिव्स विकारियसली शी नीड टेक नो मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर बिहेवियर, बिकॉज शी हैज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, शी हैज नो मोरलिटी एंड नो ईगो। ये कौन कह रहा है? चर्च का ट्रेंड माइंड, पुरुष का भी स्त्री का भी। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ईगो एंड द वैरायटी ऑफ रोल्स दैट विमेन मैनिपुलेट, दे हैव नो आइडेंटिटी एज वन मे गेस फ्रॉम देयर विलिंगनेस टू गिव अप देयर नेम्स। वो जो होता है ना विवाह के बाद सरनेम बदल देते, विमेन वुमन इज नेवर जेन्युइन एट एनी पीरियड ऑफ हर लाइफ। कौन कह रहा है? चर्च का ट्रेंड, यूरो अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन, खाली आदमी नहीं स्त्री भी, लेखिका स्त्री है। और छोड़ दे रहे हैं, इसमें बहुत है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पुस्तक को आप लोग पढ़िए। कुछ कह रहे हैं क्या आदित्य जी? मैं बीच में कंटिन्यू करती रही। नहीं, कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए और बुक को लोग पढ़ें। एक्चुअली क्या है इसको कि पढ़ना पड़ेगा, मैं कितना सुनाऊंगी। लोगों को ये लगता है कि यूरोप मतलब कि साफ सुथरा जगह। अरे भाई, साफ सुथरा इसलिए है क्योंकि उनको पिछले शो में इन्होंने बताया था, आत्मीयता ही पसंद नहीं है, आत्मीयता ही नहीं है, क्लोजनेस ही नहीं है, दूर दूर रहना चाहते हैं। आप मुझे कोई भी यूरोपियन सेटलर का घर बताइए अमेरिका में जो दूसरे से अच्छी तरह बात करता हो। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है पड़ोसी से भी, क्योंकि वो अपने इतनी इंडिविजुअल लाइफ में व्यस्त है। मेरे इधर आसपास सारे यूरोपियन डिसेंट के लोग हैं, लेकिन वन फैमिली ज्यूइश है, उसके साथ मेरे बड़े क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, उन पे मैं डिपेंड करता हूँ, कभी कभी बुलाता हूँ, बट बाकी लोग तो अपनी दुनिया में रहते हैं, कोई एक दूसरे से मिलता ही नहीं। सेल्फ एलिनेशन है ना सेल्फ आदित्य जी, एलिनेशन, बिल्कुल चर्च का सेल्फ एलिनेशन, खुद के साथ नहीं जुड़े हैं ना। बता तो रहे हैं पढ़ के, ना, खुद जो के साथ है। किशोरी है, आप भी किशोर रहे होंगे कभी, तब आप बैठ के गुरुकुल में वेद पढ़ रहे थे, उपनिषद पढ़ रहे थे, और ये नरक देखिए। चलिए थोड़ा सा और नरक पढ़ते हैं। पेज 130 पर क्या है? वर्क, काम, काम करना, कमाना, उसका सैलरी वैलरी वो सब हिस्सा मैं पेज 130, 131, 32, 33, 34 छोड़ रही हूं। अब 135 से पढ़ रही हूं। अरे सब का सब विचित्र पगलाहट, इसको क्या? द लेस देन अफ्लुएंट हैव नो चॉइस बट टू स्टे मैरिड फॉर दियर वाइफ्स हैव नो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एट ऑल, को हैबिटेशन इज ऑल दैट दे कैन अफोर्ड। मतलब ऐसा नारकी, ये तो पशुवत भी नहीं है भाई। पशु जगत को आप जाके देखिए, वो ज्योग्राफी का कौन एक चैनल आता है, डिस्कवरी चैनल, कितना आनंद है, सखा भाव है, सखी भाव है, ये क्या कह रहा है? द लेस देन अफ्लुएंट हैव नो चॉइस बट टू स्टे मैरिड फॉर दियर वाइव्स हैव नो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एट ऑल, को हैबिटेशन इज ऑल दैट दे कैन अफोर्ड। अरे कितना घृणित है भाई। 135 पेज, अब ये सुनिए, ये मजेदार है। द इफेक्ट ऑफ द मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी बिल Which enables wives to demand a settlement and restitution of money invested in the conjugal home or business was to make divorce even more the prerogative of the rich। ये विचित्र संसार की विचित्र धारणाएं और विचित्र क्रियाकलाप,
लॉ कमीशन हैज बीन इन्वेस्टिगेटिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ एन अबेंडेंड वाइफ क्लेमिंग डैमेजेस फ्रॉम द अदर वुमन. एक पुरुष ने एक स्त्री को छोड़ दिया, तो स्त्री को कंपनसेशन किससे लेना है? पुरुष से नहीं, वो दूसरी वाली औरत से. ये सब औरत ही है, स्त्री नहीं है. औरत की परिभाषा शायद मैंने आपके चैनल पर बताई थी. अगेन इन टर्म्स ऑफ हार्ड फैक्ट, इट इज अ रेयर अदर वुमन हु हैज द वेयर विदल टू पे डैमेजेस. ऐसा विचित्र बात अगर हिंदी में ठीक से गांव घर में कह दिया जाए तो भारत की स्त्रियां हंसते हंसते पेट पकड़ के बैठ जाए. अब आगे सुनिए, पेज 136. जस्ट एज द नेशन कैनॉट अफोर्ड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इट कैनॉट अफोर्ड टू रिडीम विमेन फ्रॉम द फाइनेंशियल फ्यूडलिज्म ऑफ मैरिज. कहाँ की कथा? डेवलप्ड वर्ल्ड. 1970 में ये सब क्या है? विकसित देश है. ये G7 है, ये G20 है, ये G9 है, ये G5 है, राम जाने क्या क्या है. ये अमेरिकन इकोनॉमिक यूनियन है. यहाँ विवाह क्या है? जस्ट एज द नेशन कैन नॉट अफोर्ड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इट कैन नॉट अफोर्ड टू रिडीम विमेन फ्रॉम द फाइनेंशियल फ्यूडलिज्म ऑफ मैरिज. 1970, 80, 90, 2000 का यूरोप, डेवलप्ड यूरोप, अमेरिका. हाउस वाइफ मस्ट रिमेन इकोनॉमिक कैजुअलिटीज ऑफ द होल सिस्टम. किसी की ने कल्पना की थी 20वीं शताब्दी के ढलान का यूरोप और अमेरिका? पीक है 1970, 1980 इनके प्रॉस्पेरिटी का. उसके बाद इनका ग्रोथ रेट गिरने लग जाता है. मुझे ध्यान आ रहा है शायद मैंने एंगस मेडिसन से ग्रोथ रेट बताया था. पेज 137. दीज वेमेन आर ट्रीटेड वेरी बैडली बाय द इनलैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स हु रिफ्यूज टू डिस्कस दियर हस्बैंड्स टैक्स रिटर्न्स विद देम. विकसित देशों की धनी स्त्रियां, जो टैक्स वाला अधिकारी है, उन धनी स्त्रियों से उनके पतियों का टैक्स डिस्कस नहीं करता है. इसी से सीखेंगी भारत की मूर्ख, मेरे भी बाल छोटे हैं, ऐसे बाल वाली बेहूदी एब्सर्ड स्त्रियां. ये इनको लिबरेटेड मानती है. इफ द कंट्री कैनॉट अफोर्ड टू टैक्स मैरिड विमेन एज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स. 1970 में यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में क्या है स्थिति? द कंट्री कैनॉट अफोर्ड. कौन सी कंट्री? डेवलप्ड कंट्री, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पोर्चुगल, डेनमार्क, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, नाम रखते जाओ. द कंट्री कैनॉट अफोर्ड टू टैक्स मैरिड वुमन एज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स. शादी हो गई, यू लूज योर आइडेंटिटी, और बताया था ना, देन बाई लॉ यू अलाउड योर सेल्फ टू दैट योर पार्टनर और हस्बैंड कैन हैव सेक्स वेन एवर एंड हाउ एवर. पशु के साथ भी ये सब नहीं होता है भाई. इट इज ऑल्सो ट्रू दैट द कंट्री कैनॉट अफोर्ड द वेस्टेज ऑफ प्रोफेशनल फीमेल लेबर. देवी वेवी लेडी वेडी सब भूल जाओ, फीमेल लेबर. द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेशनल्स आर टीचर्स. कब? 1970 में. कहाँ? डेवलप्ड दुनिया में. फॉर मेनी विमेन सिटिंग डाउन टू अ मशीन, सिलाई की मशीन, वो स्वेटर बिनने की मशीन,
फॉर मेनी वेमेन सिटिंग डाउन टू अ मशीन, बी इट अ टाइपराइटर और पावर सुइंग मशीन, इज अ रेस्ट आफ्टर द अनरिमिटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल दियर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एनर्जी इन सर्विस ऑफ ए यंग फैमिली। भारत के पुरुष दिन भर अपने को लताड़ते कोसते हैं, किस लिए? हमने अपनी स्त्रियों पर बड़ा जुल्म किया है। अरे मूर्खों, जुल्म क्या होता है तुम लोग जानते ही नहीं हो। वहां पर क्या कह रही है? सिलाई करना, ऑफिस में जाके टाइपराइटर का काम करना, ये क्या है? इज अ रेस्ट, आराम है, आफ्टर द अनरिमिटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल दियर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एनर्जी इन सर्विस ऑफ ए यंग फैमिली। ये लोग सोचते हैं मेम साहब स्कर्ट पहन के और हैट लगा के मस्ती से आनंद में हैं। ये केवल भारत की रानियां हैं, हर स्त्री भारत में रानी है। अब पेज 138 सुनिए, यूरोप की पढ़ी लिखी प्रोफेशनल महिलाओं के बारे में। आई वंस टॉट इन अ स्कूल वेयर मोस्ट ऑफ द टीचर्स वर मैरिड एंड स्टाफ रूम कन्वर्सेशन वॉज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द सक्सेस और फेल्योर ऑफ दियर कंट्रासेप्टिव मेथड्स। स्कूल की अध्यापिकाएं 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, क्योंकि जो 50 साल बाद किताब का जो इंट्रोडक्शन है वो कह रहा है दिस बुक इज एज गुड एज इट वाज इन 1970। तो सक्सेस और फेल्योर ऑफ दियर कंट्रासेप्टिव मेथड्स, द एक्सपेडिएंट्स दे एडॉप्टेड टू कीप होम एंड चिल्ड्रन ऑन एन इवन कील, ये गप्पे हैं टीचर्स रूम की, एंड दियर कीन डिजायर टू गिव इट ऑल अप एज सून एज दियर हस्बैंड्स वर सीनियर इनफ इन दियर फर्म्स टू अफोर्ड आइडिल वाइव्स। यूरोप की ये सच्चाई किसी के मन में चित्त में है? नहीं है। अब सुनिए, उनका संडे टाइम्स कोई अखबार है बड़ा प्रसिद्ध, वो महिलाओं को, लड़कियों को, किशोरियों को, युवतियों को सलाह दे रहा है। किसका? जो ये प्राइवेट सेक्रेटरी बनती है। पेज 138 से मैं पढ़ रही हूँ। एन आंसर टू दिस आर्टिकल इन द संडे टाइम्स इंक्लूडेड इंस्ट्रक्शंस टू द गर्ल इन अ मिलियन, द परफेक्ट प्राइवेट सेक्रेटरी इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। क्या सिखा रहा है? ऑलवेज यूज अ डिओडरेंट, वो जो पसीने की बदबू को दबाने के लिए जो लगाते हैं डिओडरेंट। क्यों? यू आर नॉट द गर्ल इन अ थाउजेंड हु डज नॉट नीड वन। तेरे पसीने में इतना अधिक बदबू है। इफ यू आर अ प्राइवेट सेक्रेटरी यूज अ डिओडरेंट। दूसरा, लर्न हाउ टू मेक गुड टी एंड कॉफी। अखबार कह रहा है 1960-70 में, किसको? ऑफिस गोइंग लड़की को चाय और कॉफी बनाना आना चाहिए। तीसरा, डोंट गिव मदर, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, आंटी द ऑफिस फोन नंबर। अपना फोन नंबर मत दे देना, हस्बैंड को भी, माँ को भी, बॉयफ्रेंड को भी, आंटी को भी। चौथा, यूज द पाउडर रूम फॉर अप्लाइंग लिपस्टिक, आईलैशेस, वार्निशिंग फिंगर नेल्स और चेंजिंग स्टॉकिंग्स। ऑफिस में कमरे में जाके जो पाउडर रूम है, ये करना, तब यू विल बी एक्सेप्टेड टू योर मेल बॉस। चर्च का सब माइंडसेट खड़ा किया, संसार में ऐसा बेहूदापन कहीं नहीं है। पांचवा, डू नॉट पुट बैड न्यूज ऑन टॉप ऑफ द इनकमिंग लेटर्स। छठवा, ऑलवेज लुक ब्यूटिफुल बट नॉट प्रोवोकेटिव।
डेवलप्ड वर्ल्ड की लिबरेटेड स्त्रियों को अखबार खुलेआम पब्लिक डोमेन में कह रहा है, ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल बट नॉट प्रोवोकेटिव। आगे पेज 139 में आ गए थे हम। अ सेक्रेटरी इज अ बॉस स्टेटस सिंबल लाइक हिज वाइफ। बॉस को ऑफिस के काम में एफिशिएंसी इंक्रीज करने वाली सहायिका नहीं है, उसकी स्टेटस सिंबल है, जैसे कि उसकी पत्नी है। एंकर द मोर हर ड्यूटीज आर लिमिटेड टू हिज रिक्वायरमेंट्स द मोर हर वैल्यू। अ सेक्रेटरी मस्ट बी अट्रैक्टिव, गुड ऑर्गेनाइजर विथ काम टेम्परामेंट, लाइवली, इंटेलिजेंट, टैक्टफुल, एफिशिएंट, वेल ग्रूम्ड, ब्राइट। द टोन ऑफ सच सॉलिसिटिंग मे रीच अनबिलीवेबल डेथ। हम लोग क्या जो शादी का आजकल निकलता है विज्ञापन, एक ऐसी लड़की चाहिए, उसमें भी इतने रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं। जो ऑफिस में काम करने वाली सेक्रेटरी के रिक्वायरमेंट है, दुल्हन के वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला पेज 139 से, नोबडी हाउएवर एवर वांट्स अ मेच्योर वुमन एज सेक्रेटरी। 30 सीम्स टू बी अबाउट द सीलिंग 18 से 30 तक। इफ अ प्राइवेट सेक्रेटरी विशेज टू बिकम इंडिस्पेंसेबल टू हर बॉस, शी मस्ट वॉलेंटरली इंक्रीज हर ह्यूमिलिटी एंड सर्विट्यूड, नॉट हर एफिशिएंसी। क्या ह्यूमिलिटी एंड सर्विट्यूड। 20वीं शताब्दी के आखिरी दशकों का यूरोप, अमेरिका, डेवलप दुनिया, जिसकी नकल करने ये बेहूदी बेहूदी मैं कह रही हूं, ये बेहूदी विमेन लिब वाली लुगाइयां और छोकरियां घूम रही हैं। कारण यूरोप जानते ही नहीं है क्या है। चर्च ने कैसे सब कंट्रोल करके ट्विस्ट किया है पता ही नहीं। आदित्य जी, आपके कमेंट बिना नहीं बात बनती है। एक्चुअली ये मैं आपसे बात कर रहा था और एक मैसेज आया कल्ट के ऊपर। कल्ट का डेफिनेशन जो क्लासिकल होता है, जो वेबस्टर डिक्शनरी और इन सबको आप छोड़ दीजिए, एक वन लाइन डेफिनेशन मैंने अपनी बुक में भी लिखा था, वन वे इन नो वे आउट। ये कल्टिश काइंड ऑफ कल्चर्स है, इसमें घुस तो सकते हैं आप। हाँ एग्जैक्टली वही है। आप वहां से गए तो औरत, मतलब स्त्री भी वो नहीं है अभी, यहाँ ये तो औरत बुलाते हैं, स्त्री भी नहीं है, बच्चे भी नहीं। अभी छोटे छोटे बच्चे क्या यहाँ पे किनसेरिया करते हैं वो, और उसका क्या अर्थ होता है मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि पिता अपनी बेटी को समाज को ऑफर कर रहा है। पॉसिबल? कितना भयंकर कुरीति है ये। शुरू हुआ स्पेनिश कॉन्क्विस्टा दौर से, जहाँ पे, और उसको परिवार लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये कॉलोनीज में बहुत, स्पेनिश कॉलोनीज में बहुत फेमस है, फिलीपींस में, मेक्सिको में, अदर कंट्रीज में। हमारे यहाँ तो कन्यादान होता है एक क्वालिफाइड व्यक्ति को। व्हाट ए डिफरेंस मैं निवेदन करूंगी, भारत से तुलना मत कीजिए। टट्टी भारत से। की तुलना किसी चीज से नहीं कर सकते, एक दूसरी टट्टी से आप कर सकते हैं, और किसी चीज से कृपा करके मत करिए, वो भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, प्लीज प्लीज अभी आप कंटिन्यू करिए। वन वे इन नो वे आउट, इसको डेफिनेशन को जहां भी अप्लाई हाँ, करेंगे पता लग जाएगा कौन कल्ट है कौन नहीं है। तो ओनली वन कल्चर विच इज नॉट ए कल्ट, वे इन नो वे आउट। ओनली सनातन धर्म कल्चर इज द रियल कल्चर और धर्म इन द वर्ल्ड। अब पेज 144, नर्सेज आर स्किल्ड मीनियंस। दाइयां हैं नर्सेज, वो सफेद 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 क्या कह रहे हैं, स्किल्ड दाइयां। अभी मेरी माँ का मामला था, मेरी माँ है 89 की, तो जो माँ के पास मेड सर्वेंट थी वो कुछ नहीं आई, घर वर चली गई, तो सब लोग समझाए माँ नर्स को रख लो। मैंने भी समझाया माँ नर्स को रख लो, माँ बोली नर्स बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा माँ नर्स जो है वो एक तरह की दाई होती है,
ने कहा अच्छा दाई होती है? हमने कहा हाँ माँ, पढ़ी लिखी साफ सुथरी दाई होती। मैंने ये बिना पढ़े कहा था कैजुअली। तो माँ ने कहा अच्छा सोचते, कहाँ पर? यूरोप में, अमेरिका में। कब? डेवलप, ये डेवलप्ड वर्ल्ड हो चुके हैं 1970। नर्सेज आर स्किल्ड मीनियल्स, द विमेन्स ब्रांचेस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस आर नॉट सोल्जर्स इन दियर ओन राइट, बट क्लरिकल असिस्टेंट्स एंड अदर काइंड्स ऑफ हैंडमेडन्स टू द मेल्स। सेना में, यहाँ तो औरत शब्द कहना पड़ेगा, औरत शब्द, चोरी कोई किताब हाथ में होगी तब औरत शब्द का अर्थ बताऊंगी, ऐसे मुश्किल है। अब थोड़ा सा और, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ गई हूँ, पेज 156 पर। अध्याय है द आइडियल, आदर्श। तो क्या है? मेनी प्लेटोनिस्ट बिलीव दैट विमेन आर नॉट केपेबल ऑफ लव एट ऑल। और यहाँ क्या कह रहे हैं? हे स्त्री, तू प्रेम है, प्रेम है, करुणा है। ये क्या कह रहा है? मेनी प्लेटोनिस्ट बिलीव दैट विमेन वर नॉट केपेबल ऑफ लव एट ऑल बिकॉज दे वर मेन्स इंफीरियर्स। दे डोंट हैव पेनिस सो दे आर इंफीरियर। मेन्स इंफीरियर्स फिजिकली, सोशली, इंटेलेक्चुअली एंड इवन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ब्यूटी। यूरोप क्या मानता है? स्त्री ही है। यूरोप नहीं, चर्च मानता है। क्यों मानता है? वो कहानी एडम के ई की अतड़ी खींच के बनी है, लेसर है। लव इज नॉट पॉसिबल बिटवीन इंफीरियर एंड सुपीरियर, लव इज पॉसिबल बिटवीन इक्वल्स। और इसको तो अतड़ी खींच के बनाया है, बिकॉज द बेस कैन नॉट फ्री दियर लव फ्रॉम सेल्फिश इंटरेस्ट आइदर एज द डिजायर फॉर सिक्योरिटी और सोशल एडवांटेज। चर्च क्या सिखा रहा है? कि ये जो औरत है ये प्रेम करने में अक्षम है, एंड बीइंग लेसर क्योंकि हीन है, गई बीती है। किसके अनुसार? चर्च के अनुसार। चर्च में कौन? चर्च तो एक इंस्टीट्यूशन है, उसका ये पगलेट प्रीस्ट। एंड बीइंग लेसर दे देमसेल्फ्स कैन नॉट कंप्रेहेंड द फैकल्टीज इन द सुपीरियर विच आर वर्दी ऑफ लव। क्यों नहीं कर सकती? सुपीरियर की क्वालिटीज को समझ ही नहीं सकती। ये स्त्री का वर्णन पुरुष के द्वारा नहीं है, ये स्त्री की अवधारणा चर्च के पगलेट खोपड़ी में है, प्रीस्ट के। द सुपीरियर बीइंग ऑन द अदर हैंड अकॉर्डिंग टू चर्च कैन नॉट डिमीन हिमसेल्फ बाय लव फॉर एन इंफीरियर। Therefore, homosexuality, man can love a man. His feelings must be tinged with condescension or else partake of perversion and a deliberate self-abasement. क्या कहा? कैथोलिक चर्च का प्रीस्ट विवाह नहीं करेगा, स्त्री पुरुष पुरुष होमोसेक्सुअलिटी, और नहीं तो पुरुष बकरी, नहीं तो पुरुष भेड़, नहीं तो पुरुष घोड़ी, और नहीं तो कैथरीन इनकी जो ग्रेट है उसका जो खास इजाद था वो। पेज 156। व्हाट मैन फील्स फॉर द वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिमसेल्फ इज फैसिनेशन एंड इंटरेस्ट। यानी पहले एक बेहूदी कल्पना क्या की? गॉड ने घोड़ा बनाया, घोड़ी बनाई। गॉड ने चिड़िया बनाया, चूड़ा बनाया। गॉड ने बिल्ला बनाया, बिल्ली बनाई। लेकिन गॉड ने अपने जैसा एडम बनाया। क्यों? गॉड की गॉडेस थी नहीं, गॉडेस नहीं थी तो अपने जैसा एडम बनाया। एडम बेचारा दुखी था तो उसकी पसली खींच के ईव बनाया। तो व्हाट मैन फील फॉर द वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिमसेल्फ
इस फैसिनेशन इन इंटरेस्ट, पहले एक बेहूदी बात रची, अब उससे थ्योराइज कर रहे हैं क्या, विच फेड व्हेन द नोवेल्टी फेड्स एंड द इनकम्पेटेबिलिटी मेक्स इट्स प्रेजेंस फेल, कि शुरू शुरू में तो आकर्षण होता है बाद में नहीं। अरे मूर्खों, समय के साथ प्रेम प्रगाढ़ होता है, आकर्षण और प्रगाढ़ होता है, क्योंकि समय के साथ स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के स्वभाव को, गुणों को, प्रकृति को धीरे धीरे जानते हैं, तो आकर्षण प्रेम में परिवर्तित होता है, और आकर्षण भी बहुत होता है, और उसमें प्रगाढ़ता आती है, इन नालायकों के उस दिमाग की खड़ूसपन के कारण गायब हो जाता है। फेमिनिन विमेन चेन्ड टू मेन इन आवर सोसाइटी आर इन दिस सिचुएशन, माने एक एक लाइन की भयंकरता। फेमिनिन विमेन, ये क्या बला हुआ भाई, या तो फेमिनिन है या वुमन है, नहीं, फेमिनिन विमेन चेन्ड टू मेन इन आवर सोसाइटी आर इन दिस सिचुएशन, दे आर फॉर्म टू बी आर्टिफिशियली डिफरेंट, आर्टिफिशियली डिफरेंट एंड फैसिनेटिंग टू मेन एंड एंड बाई बींग मियरली डिफरेंट, आइसोलेटेड इन द हाउस ऑफ अ बोर्ड एंड एंटागोनिस्टिक बींग। जो सारी फैशन की दुनिया है, ये क्या है भाई, नारी शरीर का कुछ पिकुलियरिटी है नहीं, उस सब को इनहेंस करेगी, क्यों करेगी इनहेंस, पुरुष को कुछ तो आकर्षण रहे, रूप भी नहीं है, गुण भी नहीं है, डिफरेंस में आकर्षण है, इसीलिए इनको बकरी में आकर्षण है, घोड़ा में, घोड़ी में आकर्षण है, क्यों, डिफरेंट है। वेल, पेज 157, When Adam saw Eve in the Garden of Eden, he loved her because she was of himself, bone of his bone, and more like him than any of the other animals created for his delectation. अब देखो बच, यानी गार्डन ऑफ ईडन में एडम को ईव इसलिए पसंद आई कि उसके जैसी, हम लोग को तो चिड़िया बड़ी पसंद आती है, तितली भी बहुत पसंद आती है, गोमाता भी पसंद आती है, खरगोश भी से भी बड़ा आनंद आता है। अभी कहा, अभी रुकिए, अभी और पगलेटी का दो चार वैरायटी सुना दूं। हिज मूवमेंट ऑफ डिजायर टुवर्ड्स हर वॉज एन एक्ट ऑफ लव फॉर हिज ओन काइंड, उसके टाइप की थी इसलिए प्रेम था। दिस काइंड ऑफ डिफ्यूज नार्सिसिज्म हैज ऑलवेज बीन एक्सेप्टेड एज ए बेसिस फॉर लव। अभी जाके कहां पर टिकेगा वो देखिएगा। एक्सेप्ट इन द मेल फीमेल रिलेशनशिप वेयर इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट मैन इज इनफ्लेम्ड बाई वॉट इज डिफरेंट इन वेमेन एंड देयर फोर द डिफरेंसेस हैव बीन मैग्निफाइड Until men have more in common with other men of different races, creeds, and colors than they have with the women of their own environment, because women have breasts and not penis, so he is more comfortable with men of different race, creed, and color. The principle of द ब्रदरहुड ऑफ मैन, हम लोग ब्रदरहुड ऑफ मैन का मतलब कुछ जो समझते हैं यहाँ पर, वेमेन आउट, द प्रिंसिपल ऑफ द ब्रदरहुड ऑफ मैन इज दैट नार्सिसिस्टिक वन फॉर द ग्राउंड्स फॉर दैट लव हैज ऑलवेज बीन द एजम्पशन दैट वी ऑट टू रियलाइज दैट वी आर द सेम द वर्ल्ड ओवर, हर जगह पुरुष एक से एक से। तो ब्रदरहुड ऑफ मैन में
वुमन आउट, पगलेटी के एक से एक शेड्स और एक से एक वैरायटी। जितनी वैरायटी आपको आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम की नहीं मिलेगी, चॉकलेट की नहीं मिलेगी, उतनी वैरायटी आपको यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सोसाइटी में पगलेटपन की मिलेगी, क्योंकि दैट सोसाइटी हैज बीन फॉर्म्ड बाय द मेंटल्स। अब एक सौ अठावन, समय हो गया है ना आदित्य जी? के लिए आपके लिए कोई समय का लिमिट है नहीं, लेकिन दूसरों के लिए शायद हो सकता है। तो हम लोग इसको इसको दो पार्ट में तो कवर करते अगली हैं, एक और बार, कवर करते हैं इसको। इसको अगला बार सेशन लाइव लेंगे, लाइव। ठीक है, अभी तो बहुत है आनंद। मेरा कहना है कि ये जब हो जाए ना तो एक प्रश्नोत्तर करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, उसी को लाइव कह रहे हैं। हाँ हाँ ठीक लाइव है, कर रहे हैं। ठीक उसके लिए दर्शकों को मैं बोलूंगा कि इसको सुने ध्यान से, नोट्स बनाएं, जी। हाँ और आपको नोट्स बनाने में बड़ी दिक्कत होगी तो नोट्स फिर भी बनाइए, भोजन खाते समय मत बनाइए नहीं तो उल्टी हो जाएगी। तो और ये लेकिन किताब किताब मंगा लीजिए। मंगा लीजिए, इसका साइड में जो इसका ऑथर का नाम है वापस बोलिए एक बार, ऑथर का नाम इसका नाम है जर्मेन जर्मेन ग्रियर, जर्मेन जी ई एम ए एन आर ई एम ए आई एन ई, आई एन ई और ग्रियर, जर्मेन ग्रियर, जी आर ई आर, जर्मेन स्कॉटिश ग्रियर। स्कॉटिश नाम है। तो ध्यान से बुक मंगा लो, भोजन के समय मत पढ़ना। ये ऑलमोस्ट लाइक ए क्या पढ़ बोलेंगे के सामान्य व्यक्ति को तो बुखार आ जाएगा, और भारत के मूर्खों को सुष्मिता जरूर जी, आज सामान्य कौन है पढ़ा। पता नहीं है आप, क्योंकि आप सोच रही हैं पुराने समय से सामान्य, आज सामान्य कौन है पता नहीं। हाँ, दुनिया भर में 10-15% पगलेट हो चुके हैं। 10% से ज्यादा सिर्फ भारत में बचे हैं, 40 40 करोड़ लोग, साधु लोग भारत में बचे सिर्फ। अरे भाई मतलब जो एक ही बात से कितने वैरायटी का, जैसे हम लोग आटे से रोटी, पराठा, मिस्सी रोटी, टिकड़िया बनाते हैं, ये एक बात से कि असली से खींचा, कितने वैरायटी का न्यूरोसिस खड़ा कर सकते हैं केवल एक बात से। एक फिजूल पन रचा और उससे तरह 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 तरह। अच्छा, बुक पढ़ते हुए ना हरि नाम लेते रहना हर दो लाइन के बाद, उसके बाद बोलना जय श्री राम, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, जय श्री इसके बिना कृष्ण, पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाओगे। नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर आपको क्लेंजिंग करना हो बुक पढ़ते हुए, इस पढ़ते हुए, तो गीता का बुक भी खोल लीजिए, दूसरा चैप्टर का पढ़िए, तीसरा चैप्टर, पहला चैप्टर, पढ़ते रहिए, एक एक श्लोक पढ़ते रहिए, उसके बाद 10 बजे एक पैराग्राफ के बाद, तो उसमें आपको आनंद भी आएगा और गीता भी समझने को मिलेगी, क्योंकि इसके बाद गीता आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो अगर जिसने आज तक गीता पढ़ी नहीं है इसको साइड में रख के पढ़े। किया दो बार और करेंगे। और देखिए, अपने दर्शकों से हाथ जोड़ के कह रही हूँ, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, लाइक्स बढ़ाइए, जिससे हम और चैनल पर सुनते हैं कि उसके कारण वो उसकी रीच बढ़ जाती है। तो भाई, आपको तो केवल छूना है ना, मैंने कितना मेहनत किया है, उस मेहनत को अन्य तक पहुंचा दीजिए। केवल टच टच टच, अपने फ्रेंड लोगों से, सबके पास 100-100 होंगे लोग सुनने वाले, वो क्या इंस्टाग्राम ट्विटर क्या क्या होता है, उस पर मिनिमम 100 आदमी होंगे, उनसे कहिए टच द सब्सक्रिप्शन बटन। और मुझे बताइए कि आज है 14 तारीख, 16 तारीख को कितने हजार हो गया, फिर 18 को कितने हजार हो। जी नमस्कार सबको। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, और जैसा कुंदा जी ने बोला है लोगों तक पहुंचाइए और हमारे सारे वीडियोस देखिए। कोई भी आपको वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जो लाइट हो। कभी कभी हम लोगों ने करंट अफेयर्स पे कमेंट किया है, लेकिन उस पर भी धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, धर्म जो है हर जगह अप्लाई होता है। एंड 1300 वीडियोज है चैनल के ऊपर, और कुसुमलता जी के 52 वीडियोस हैं। आप पॉडकास्ट में सुन सकते हैं बहुत सारे वीडियोस, और ये सारे वीडियोस जो हैं एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ थॉट पे है जो हमारे डिस्क्लेमर में हमने लिखा हुआ है। इवन दो इट्स अमेरिकन चैनल, हमने लिखा है हम वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही एनालिसिस करते हैं, और
इसलिए मैं आप लोगों को बड़ा दुख होता है मैं जब बोलता हूँ हर जगह महाभारत रामायण घुसेड़ देता हूँ, उसके लिए मैं माफी पहले से मांगता हूँ, लेकिन वही तो पर्पज है चैनल का, तो मुख्य है। वही तो मैं वहां पे इसलिए डाल देता हूँ क्योंकि भाई ये सब पढ़ने के बाद आपको रामायण महाभारत बहुत अच्छी तरह समझ में आने वाली है। दुनिया में जो चल रहा है हाँ वो तो देखना ही जरूरी है, लेकिन रामायण महाभारत पढ़नी है, भगवान का नाम लेना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स। एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है आपके जीवन में। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो करिए, वहां पर मेरे को समय तो इतना मिलता नहीं है क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा बाकी काम भी बहुत रहता है, मैं मोस्टली बुक्स लिखता हूँ और लेक्चर्स बहुत देता हूँ, तो इसलिए जब मुझे समय मिलता था बिल्कुल मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, तो यू कैन चेक इट आउट ओवर देयर। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और इसको हम अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। और इस आपने पिछले वीडियो को, कुसुमदास जी के वीडियो को 1,30,000 तक पहुंचा दिया आज, अरे वो एक वाह, हफ्ता पहले ही सबको हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो 2,60,000 तक तो पहुंचना ही चाहिए। और यही नहीं, एक रामेश्वर मिश्र पंकज जी की प्लेलिस्ट है उसको भी पॉपुलर करिए, अंकित शाह की प्लेलिस्ट को पॉपुलर करिए, और भी हमारे अनेक गेस्ट आते हैं, अभी कर्नल रैना आना शुरू हुए हैं, उन्होंने 25 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं, एंड अमेजिंग वॉरियर, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में रह चुके हैं, एक्टिव रह चुके हैं, उनके शोज सुनिए। और बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, ऑनेस्ट चैनल्स हैं, आदि अचिंत का डेफ टॉक्स है, ऑनेस्ट चैनल्स हैं, वो डिफेंस पे फोकस करते हैं और हम लोग डिफेंस पे फोकस नहीं करते, हम लोग सिर्फ धार्मिक विषय पे फोकस करते हैं और सोचते हैं कहाँ पे डीबंकिंग मिथोलॉजी किया जाए। तो अभी यूरोप के वो यूरोपियंस के गोरी चमड़ी देख के बिल्कुल भी इंप्रेस मत होइए क्योंकि दे वॉन्ट टू हैव योर ब्राउन स्किन। और बहुत सारे देश हैं विश्व में जैसे कि जमैका है और इस तरह के जो देश हैं जहाँ पे रेसिज्म ब्लैक्स ओवर ब्राउन्स ज्यादा है, वैसे देशों में मत जाइए। सो थैंक यू ऑल सो वेरी मच और नमस्ते और जय जगन्नाथ। प्लीज जुड़े रहिए हमारे साथ चैनल पे और अगला शो में मेरा वेट करिए। नमस्ते, थैंक यू।